नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। बरेली के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आए रोहित सिंह हिंदू ने जनता का अभिवादन करते हुए समस्त हिंदू जनमानस को जागरूक रहने को कहा है। कहा कि कहीं ना कहीं हमारी ही गलती रहती है जो श्रद्धा वाकर जैसे हत्याकांड होते हैं। हमारे घर की माताओं बहनों को और हमें या घर के बच्चों को और बेटियों को शिक्षा देनी होगी कि इन जिहादियों से किस प्रकार से सचेत रहना है और कैसे इनसे दूरी बना के रखना है। ऐसे तमाम बातें कही आपको सुनवाते हैं। पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो ये बरेली में राष्ट्रीय हनुमान दल की जिला इकाई द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सभी कार्यकर्ता बंधुवर, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित जी और क्षेत्रीय के सभी पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सभी लोगों ने एक समीक्षा की है, जिसमें मेरा भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हनुमान दल की केवल यही विशेषता है, जैसा कि आप लोग पूरे भारतवर्ष में देखते रहते हैं जघन्य घटनाएं हमारे हिंदू समाज के साथ, जो नई नई प्रतिक्रियाएं हैं जिहादियों द्वारा एवं असामाजिक तत्वों द्वारा दिन प्रतिदिन हो रही हैं, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी बानर सेना तैयार हो रही है। क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको सीधी भाषा समझ में नहीं आती, तो मैं खुलकर उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जिन लोगों की मानसिकता और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि हिंदू समाज एक नहीं है, तो आकर देखिए, यह सभी हिंदू समाज एक बैठा है। और हम लोगों ने केवल एक ही उद्देश्य बनाया कि जात पात को खत्म करके अब हिंदू समाज को एकीकृत करने का सबसे बड़ा उद्देश्य हनुमान दल का यही है। और कोई भी जिहादी जिसकी मानसिकता त्रस्त हो गई है या भ्रष्ट हो गई है या उसके दिमाग में कोई गलत फहमी हो, तो वो निकाल दे। हनुमान दल भजन कीर्तन करने के साथ साथ लठ बजाने वाला भी दल है। जैसा कि देखा जाता है कि अगर अधिकांश कहीं पर गौपछली में कई मामले सामने आते हैं, तो इसके लिए आपकी दल क्या क्या कर रहा है? देखिए, हमारा गौ रक्षा प्रकोष्ठ बना हुआ है जो निरंतर गौ सेवा करता है, और अगर कोई भी ऐसी गौकशी की घटना होती है तो शासन और प्रशासन के साथ मिलकर, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में महाराज जी की सरकार है, तो किसी जिहादी की औकात ही नहीं है कि गौकशी कर दे। हालांकि बहुत सारे लोगों की मानसिकता दिन प्रतिदिन होती है, लेकिन उसके साथ आप देखते हैं दिन प्रतिदिन एनकाउंटर भी हो रहे हैं उन लोगों के, और हमारी जो गौ रक्षा प्रकोष्ठ की टीम है दिन प्रतिदिन उनको पकड़कर प्रशासन को दे रही है। हनुमान दल किस किस जिले में काम कर रहा है? देखिए, पूरे संपूर्ण भारत में कार्य कर रहा है, और अभी तक लगभग 8 से 9 लाख लोगों की इसमें सदस्यता हो चुकी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और अन्य प्रदेशों में बहुत अच्छे स्तर पर कार्य कर रहा है। अल्प अल्प थोड़े थोड़े प्रयास के साथ ही हम एक बड़ा उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य सभी लोग जानते हैं कि सभी हिंदू संगठनों का एक ही उद्देश्य है, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।